भिवानी पुलिस ने राजस्थान पुलिस के वांछित तीन युवकों को दबोचा है। एक पिता पुत्र भी है, हालांकि पुत्र जो है वो नाबालिग है, उसको भी पुलिस ने दबोचा है। कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तेजपाल है, आप देख पाएंगे, एक तेजपाल का बेटा जिसको पुलिस के द्वारा ट्रैप किया गया है, ये रूपेश है। ये अलवर का रहने वाला, राजस्थान का रहने वाला है। ये भिवानी पुलिस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। भिवानी पुलिस के द्वारा पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। हालांकि बता दें कि जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा पूरी कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही गई थी कि जितने भी पैरोल जम्पर्स हैं या इस तरह के अति वांछित अपराधी हैं उनको दबोचा जाना है, तो एक सूची जो है इस तरह की फेहरिस्त वो साझा की गई थी हरियाणा और राजस्थान पुलिस के द्वारा। और क्योंकि भिवानी जिला जो है राजस्थान से सीधे तौर पर सटा हुआ है, तो यहाँ के अधिकारियों की बैठक जो है, कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जो सूचियां थी, जो फेहरिस्त थी, उनका आदान प्रदान किया गया था। उसके बाद कुछ ऐसे शख्स थे जो कि मोस्ट वांटेड बदमाश भी हैं, अति वांछित बदमाश भी हैं, और इसके अलावा इनामी बदमाश। ये तीन लोग जो है इनामी बदमाश हैं, एक पिता पुत्र और तीसरा जो शख्स है ये इनामी बदमाश है। एक पोक्सो एक्ट के मामले में, आईटी एक्ट के मामले में, छेड़खानी के मामले में कहीं ना कहीं ये तीनों युवक जो है वांछित थे। तो कहीं ना कहीं भिवानी पुलिस के द्वारा, भिवानी CIA 1 टीम के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई और इनके ऊपर हालांकि 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यहाँ पर राजस्थान पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी हैं। भिवानी पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रमेश जी, उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और इन जो तीनों युवकों को यहाँ से, तीनों जो लोग हैं उनको पकड़ा गया है। एक हालांकि नाबालिग है और दो जो है बालिग है, उनको पकड़ा गया है। कानूनन कार्रवाई अमल में लाई गई है और इसी तरह से जो है एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि कानून के हाथ लंबे हैं, चाहे कोई कितना ही प्रयास क्यों न कर ले। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पैरोल जंपर्स हैं, उनके खिलाफ जिस तरह की मुहिम चलाई गई है, जिस तरह से जो राज्य चुनाव आयोग की चाहे बात करें, केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करें, उनके द्वारा जो निर्देश जारी किए गए उनके मुताबिक काम किया भी जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।